नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज बहुजन समाज पार्टी झांसी के तत्वाधान में भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने के साथ कहा। आज हम लोग जो अपनी परसेंटेज वोटों की परसेंटेज है, संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग यहां मना रहे हैं और उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए हुए जो उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया दबे कुचले समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के गरीब लोगों को के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया कि इस देश में कैसे समतामूलक समाज की स्थापना हो। हजारों साल से जो इस देश में गैर बराबरी छुआछूत व्याप्त है उसका अंत और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कि उनकी चाहती इस देश में सारे लोग खुशहाल रहें। और उन्होंने अपने संविधान में भी इस देश में सभी लोगों, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोगों के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए कि अगर वो संविधान सही तरीके से लागू हो जाए तो आज इस देश में खुशहाली हो जाएगी, अमन चैन हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य के 74 साल की आजादी के बाद भी देश में तमाम सरकारें आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन उन्होंने सच्ची तरह से सही मन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान लागू नहीं किया। अगर लागू कर दिया होता तो आज इस देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। इसलिए हम ऐसे महामानव का परिनिर्माण दिवस जो आज से लगभग 64 वर्ष पूर्व इस देश से हम लोगों के बीच से, सब लोगों के बीच से विदा हो गए थे, चले गए थे, उनके किए हुए संघर्ष, उनके किए हुए कार्य सर्व समाज के लिए उनको याद कर रहे हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आज हम लोग अर्पित कर रहे हैं।